नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल सुबह सुबह एक पड़ोसी टीचर द्वारा पांचवी क्लास में पढ़ने वाले छात्र के साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसके दौरान उसे मृत घोषित कर दिया है। स्टूडेंट जो घर से बाहर खेलने के लिए निकला था, तभी टीचर ने उसे रोक लिया है और उसके साथ इस ताबड़तोड़ चाकू वाली घटना को अंजाम दिया है, जिसके दौरान उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया है। यह पूरा मामला नालंदा के सिलान थाना क्षेत्र के कढ़ा मोहल्ले के पास का बताया जा रहा है। 9 वर्षीय छात्र है जो मोहम्मद शरीफ चौथी क्लास में पढ़ता है और पुलिस की माने तो नाली में पानी गिराने को लेकर पड़ोसी टीचर के बेटे के साथ परिवार वालों ने विवाद कर दिया था और इसका बदला लेने के लिए उसने ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद आरोपी टीचर भागने लगा था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान मौके पर सनसनी फैल गई थी और पूरे इलाके के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। देखते ही देखते मौके पर बताया जा रहा है कि रोहधार मची हुई थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद हालात के जायजे लिए हैं और टीचर को हिरासत में लेकर अंदर कर दिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।